हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग है 23 तारीख का, और 22 की रात को तो हम लोग 12 बजे तक जगे थे, और इतना ज़्यादा हमने डांस किया, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और आज का पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि थकान ही इतनी हो रही थी। 10 बजे तक तो मैं सोई हूँ, और लाइट ने इतना परेशान कर रखा है ना, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाई थकने के बाद भी। तो बीच बीच में जब लाइट जाती है, और इधर जो है ना दिल्ली NCR में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो बस उस चीज़ से ना थकान उतर नहीं पाती है। अगर कभी कभी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कभी आप फंक्शन वगैरह में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ घर से बाहर, जब भी आते हो ना, यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और अभी ना गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस बार, वैसे पहले कभी इतना नहीं होता था, बट इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये 23 तारीख की इवनिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत तेज से ना बारिश हो गई थी, पूरे दिन से तो पूरी थकान थी, बट आज का मौसम देख के ना सारी थकान दूर हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अभी से ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो बारिश भी इतनी अच्छी हो ही रही थी, मौसम एकदम अच्छा हो गया था। और मैं चाय बनाने आई थी किचन में, फिर मैंने सोचा कुछ स्नैक्स भी बना लिया जाए घर में ही, क्योंकि बाहर का तो इस टाइम पे खाना बेकार है बारिश में। बारिश का किसी भी टाइम में ना बाहर का हमें अब पचता ही नहीं है, हम लोगों ने ना बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है। तो फिर वो हो जाता है ना चीज़ें कि सूट नहीं आता, तो वही हमारे साथ होता है अभी। तो हम बहुत ही कम खाने लगे हैं बाहर का। तो अभी मैं ना यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बनाने लग गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम जब होता है ना, तो इस टाइम पे ना ऐसी चीजें बहुत टेस्टी लगती है, और घर में बनाओ ना तो स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेड पकौड़े बनाने लग गई थी, थोड़ा बनते देर से हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है घर की चीजें बनी हुई। और बाहर वाली चीजों में आपको पता ही है ऑयल कितना होता है, ऑयली होती है बहुत सी चीजें, और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं चाय के साथ ये स्नैक्स बनाने लगी थी, और उसी बीच में ना मेरी मामा की बेटी आई हुई है अपने मायके, तो उसका ना काफी दिन से मुझे ये हो रहा था कि आ जा मिलने के लिए, फिर मैं चली जाऊंगी ससुराल। और हम ना शादी के बाद से एक दो बार मिले हैं, उसके बाद अभी काफी साल हो गए हम मिले भी नहीं है। तो वो ना हर बार बोलती है, मैं भी उसे हर बार बोलती हूँ, बट क्या होता है ना, मिलना होता ही नहीं है। तो इस बार वो थोड़ी जिद सी कर रही है कि नहीं, इस बार आना ही पड़ेगा। तो हमने ना परसों का प्लान बनाया है, क्योंकि कल कुछ और प्लान है। तो अब मैं आपसे ना सीधे नेक्स्ट डे मिलूंगी, मतलब कल। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। तो ये है थर्सडे की आफ्टरनून, मैं अभी से व्लॉग शूट कर रही हूँ, और यहाँ पर ना लंच चल रहा है। तो मैंने आपको कल रात बताया था ना कि कल का कुछ और प्लान है। और ये जो अभी स्क्रीन में देख रही थी ना, ये है बिट्टो, और ये मेरे देवर देवरानी, और नीचे आंटी बैठी हुई थी, मेरे पति देव। तो हम लोग यहाँ लंच कर रहे थे, तो आंटी पता है क्या बोल रही थी कि बहू बेटे तो बैठे हैं ऊपर, और माँ बेटों को बिठा रखा है नीचे। तो वही चीजें यहाँ पर चल रही थी, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि क्या जमाना आ गया है। बहू बेटे, जो बड़ा बेटा है और माँ है, वो तो नीचे बैठे हुए हैं, और ये तीनों ऊपर बैठ के खा रहे हैं। आजकल का जमाना ये आ गया है। तो बस यही हंसी मजाक चल रही थी। तो आज का प्लान ना, हमने लंच रखा हुआ था इनके साथ। तो यहाँ पर जब हम आए थे ना, जब हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी शादी होते ही, मैं यहाँ आ गई थी, तो सबसे पहले जो हमारे संबंध बने थे ना, वो आंटी और के साथ ही बने थे। और अर्पित इनका बेटा, जब बहुत पहले से हमारे संबंध बने थे, बहुत लोगों ने बीच बीच में कई सारे इशू बना के तुड़वाने की भी कोशिश करी, थोड़ा बहुत कम भी कर हो गया था आना जाना बीच में, मतलब टूटा नहीं, बहुत लोगों ने कोशिश करी पर वो हो नहीं पाया। तो बस यहाँ पर आज हमारा लंच करने का प्रोग्राम बन गया था, तो हम लोगों ने गेट टुगेदर किया साथ में, और खूब मस्ती की, शाम तक हम लोग बैठे रहे, शाम तक खूब गपशप हुई, खूब बातें हुई। और काफी दिनों बाद हमने गेट टुगेदर किया था, तो काफी सारी चीजें थी। और मैं हर व्लॉग में आपको बोलते जाती हूँ कि कुछ सीक्रेट है जो आपको अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ना मेरे कोरियर आ गए थे, तो ये देखिए इवनिंग में मेरे कोरियर आ गए। तो ये एक टिफिन बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, चाहे आप अपने बच्चों के लिए यूज कीजिए या हस्बैंड के लिए यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा टिफिन बॉक्स था। और क्वालिटी तो मैं आपको बता नहीं सकती, A1 क्वालिटी थी। और इसका जो आप डिजाइन देख सकते हैं, डिजाइन वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, तो सब बहुत ही अच्छा ये लंच बॉक्स था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एक और कोरियर अपना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसमें था नाइफ शार्पनर, तो जिससे आप अपने चाकू की धार को तेज कर सकते हैं। तो एक ये भी मैंने ऑर्डर किया था, तो ये भी मेरा आ गया था।
और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में था। तो अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप भी मंगवा सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट फैक्ट्री से भी मंगवा सकते हैं। मैं इस पे ना नंबर मेंशन कर दूंगी और अमेजोन पे भी आपको ये इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद ये था रात का टाइम और मछलियों ने ना हमें इतना परेशान कर दिया, क्योंकि हमें ना बार बार कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है, तो इनको छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर अगर कोई और भी दाना डालता है तो ये ढंग से खाती नहीं है। जब हम आते हैं ना, दाना वैसे के वैसे ही मिलता है, और एक दो बार इनको नुकसान भी पहुंच गया, एक दो मछली हमारी जो है ना एक्सपायर भी हो गई, तो फिर उस हिसाब से ना हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ ना, ये मछलियाँ सोनू भैया के यहाँ भी एक्वेरियम है, तो हम सोच रहे थे कि अभी हमारा आना जाना ऐसे लगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब शादी वादी की चीजें होती है तो आना जाना लगा ही रहता है। तो मेरी छोटी बहन की शादी की, उससे ना वो होता रहेगा, तो हमने मछलियां ना सारे सोनू भैया को दे दी। तो ये है नेक्स्ट डे का। मॉर्निंग में मैं और मम्मी आ गए थे मेरी बहन के घर, मतलब मामा के घर, राजनगर एक्सटेंशन में है उनका। तो वो मैंने आपको बताया था ना, वो बुला रही थी काफी टाइम से। तो आज ना हमने बनाई रखा था प्लान फ्राइडे का, तो फिर हम लोग पहुंच गए थे वहीं पे सुबह सुबह, और इतनी तेज उस दिन बारिश हो रही थी ना। मैंने अपनी बहन से बोला भी था कि आज बारिश हो रही है, आज रुक जाते हैं, पर वो बोली फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग ना बारिश में ही गए, ऑटो वगैरह से गए थे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट बहुत तेज बारिश थी, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, और जाने के बाद बहुत ज्यादा मन लगा। हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी ना, क्योंकि कई साल बाद हम मिले थे। तो ये है छोटा भांजा मेरा, और वो जो इसके पीछे बैठा है ब्लू टी शर्ट में, वो है बड़े वाला भांजा, और नीचे मम्मी और मामी दोनों लेट के खूब अपनी बातें कर रही थी। काफी साल बाद मिले, मम्मी तो बीच में आती भी रहती है, मैं तो काफी साल बाद मिली हूँ, और ये भी एक दो बार मेरे घर आई है शादी के बाद, तो काफी सालों से हम मिले नहीं थे। और आज मिलने के बाद ना हमने बच्चों के साथ भी खूब मस्ती करी और खूब हमारी बातें चल रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब काफी टाइम बाद मिलते हैं तो बातें तो खत्म होती नहीं है। तो बच्चों के साथ भी हम लोग मस्ती कर रहे थे और अपनी भी बातें कर रहे थे। और हम लोग ना कॉलेज भी एक साथ किया है, तो हम लोग कॉलेज में एक साथ जाते थे, तो हमारी काफी सारी यादें हैं एक साथ, तो जो कि हम शादी के बाद जब भी बात करते हैं ना तो हमारी बातें शुरू हो जाती है तब की, जब हम कॉलेज में थे, तो एक साथ आना जाना होता था हमारा, एक साथ रहते थे। तो बहुत सारी चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करी। उसके बाद ना मैं यहाँ की जो इनकी सोसाइटी है ना राजनगर एक्सटेंशन में, तो वहां का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना सुंदर व्यू था ना अंदर का, और अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी और भी मतलब बिल्डिंगें बन रही हैं अभी, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा वहां का व्यू। वहां का जो जितनी भी सारी बिल्डिंग थी बहुत ही सुंदर तरीके से अंदर से फ्लैट बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशियस बहुत है, और आसपास इतनी ग्रीनरी, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें ना वहां पर बिल्कुल जो सोसाइटी है ना उसके अंदर ही है, तो कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। और शाम को आप लोग वॉक वगैरह करने निकलते हैं, बड़े भी बच्चे भी, तो सब ना अंदर ही है वहां पे, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक बार ना मैं अपने यहाँ का जो मेरे मामा का ये घर है वहां का ना अंदर का टूर दे देती हूँ छोटा सा, क्योंकि जब आई हूँ तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो ये है बालकनी फ्रंट वाली, और ये फिर एक रूम बालकनी से अंदर। तो यहाँ पर ऐसे अभी हम लोग ना यहीं पर बैठे हुए थे, तो इसलिए ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, हम लोग एल्बम से देख रहे थे तो वो इस वजह से ऐसा हो रखा है। तो यहाँ पर मैं शूट करने लगी थी टूर, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा घर है, किस तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं, बहुत ही स्पेशियस था। और ये 3 BHK है, और यहाँ पर है साइड में ये किचन। किचन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि जो वॉशिंग एरिया है ना वो अलग है, और वैसी चीजें जो कुकिंग एरिया है वो जो है अलग है, तो वो चीज मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद देखिए छोटी सी है बट बहुत ही स्पेशियस थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे उस हिसाब से, क्योंकि वॉशिंग एरिया जब अलग हो जाता है ना तो किचन अपने आप बड़ी लगने लगती है। तो उसके बाद देखिए ये वाला रूम मैंने आपको एक बार दिखा दिया था, एक बार इस साइड से दिखाती हूँ, क्योंकि हर एक रूम के साथ ना कबर्ड भी था। तो यहाँ पर ये वाला रूम हो गया, फिर ये है एक मास्टर बेडरूम जो कि भैया भाभी का है, और भाभी अभी अपने मायके गई हुई थी तो इस वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाई। और ये देखिए कितना सुंदर, और इसके बाद इसमें भी एक कबर्ड है और उनका बेड और ड्रेसिंग है, तो इतना सुंदर लग रहा था ना देखने के बाद, क्योंकि अभी हमें भी ना थोड़ा सा यहाँ से चेंज सोच रहे हैं, अभी हम देखते हैं क्या होता है आगे, तो जहाँ हम रहते हैं वहां से चेंज करना है, तो थोड़ा सा ना हम लोग, मैं देख के आई थी उधर का कि कैसा है। फिर एक रूम यहाँ पर है जहाँ पर मामा जी, मामी, मम्मी बैठे हुए थे, और मेरी बहन भी वहां पर थी, उनकी बातें चल रही थी और मैं अपना शूट करने में लगी थी।
तो अब चलते हैं हॉल में। ये है हॉल और यहाँ पर सामने वुडन से जो है कैबिनेट्स वाला डिजाइन बना हुआ है और इधर कॉर्नर सोफा रखा हुआ है। मेन गेट भी यही है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। और उसके बाद मेन गेट की साइड से अगर शूट किया जाए एंगल तो ये वाला है। तो यहाँ पर ना कॉर्नर पे तो सोफा रखा हुआ है, एक बीच में टेबल रखी हुई है और हॉल भी काफी स्पेशियस था। और साथ में वॉल वाला डिजाइन मैंने आपको दिखाई दिया जो वुडन का बना हुआ है, थोड़ा बहुत डेकोर इन्होंने किया हुआ है, वो भी मुझे बहुत सुंदर लगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी जब अपने घर का भी टूर दिया है तो मेरे को ना घर में सामान कमी अच्छा लगता है, जो कि इनके पास इन्होंने भी ना बिल्कुल इस तरीके से डेकोर किया है कि सामान भी इधर उधर बिल्कुल बिखरा ना हो और एकदम से सारी चीजें भी हो और ओवर ना हो घर में ना डेकोर। तो इनका भी मुझे ना कम पसंद है सामान घर में, मतलब उतना ही होना चाहिए जितना कि हम यूज करते हैं, तो वो ही मुझे यहाँ पर भी देखने को मिला, तो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा ये। उसके बाद ये देखिए इन्होंने थोड़ा बहुत डेकोर इधर भी किया हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोर किया हुआ है। और मंदिर का स्पेस ना अलग से, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ना मंदिर का जो ये स्पेस था ना इन्होंने ये अलग से बना दिया। ये ना एक टाइप से बालकनी दी हुई थी बट इन्होंने ये कवर करके ना पूरा थोड़ा सा डेकोर करके इस साइड से ये खाली मंदिर के लिए बना दिया, यहाँ पे खाली बैठ के पूजा करते हैं। और ये वाला स्पेस भी ना मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है जो मंदिर का ना अलग से होता है, तो मुझे ये भी काफी पसंद आया वहाँ। तो ये देखिए मुझे तो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो बोल भी रही थी कि तुम भी इधर ही देख लो, तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं क्योंकि हमें तो हस्बैंड के ऑफिस के हिसाब से देखना है, तो वो वाली चीज है। अब देखो कब चेंज होता है, अभी तो हम देखने में ही लगे हैं, तो वो वाली चीजें हैं। तो बस ये सारी चीजें, और मुझे घर इतना सुंदर लगा, तो मैंने पूरा छोटा सा टूर आपको दिया है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जब आई हूँ तो शाम हो गई थी, तो बस अब हम लोग ना निकलने ही वाले थे, उससे पहले मैंने ये छोटा सा टूर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अभी ना मैं वेट ही कर रही थी, वो भी अपने छोटे मोटे काम कर रही थी और उसका बेबी जो है छोटे वाला पीछे बैठा हुआ था। मम्मी और मामी तो बातों में ही लगे थे और मामी भी तैयार हो गई थी, तो ये बोल रही थी कि चल स्विमिंग पूल में नहाते हैं तब चली जाइए। मैंने कहा नहीं आज लेट हो गया, फिर कभी देखेंगे। तो बस वही बातें चल रही थी। तो अभी हम एक बार चल रहे हैं नीचे, थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे, थोड़ी बहुत नीचे का जो एरिया है उसकी वीडियो बनाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं तो रेडी थी, ये लोग अपना थोड़ा वो अपना देख रही थी बच्चे के लिए बोतल वगैरह पानी की, जो भी उसको साथ में लेके जाना होता है, क्योंकि बेबी के साथ आपको पता ही है काफी सारे काम हो जाते हैं, तो वो उसके लिए वही सारी चीजें अरेंज कर रही थी साथ में, और मैं वीडियो शूट करने में लगी थी। तो मैं बस यही वेट कर रही थी कि चलो अब निकलते हैं वरना फिर हमें भी लेट हो जाएगा, बारिश भी हो रही थी और टाइम भी काफी हो गया था। तो जब मैं फोटोशूट वगैरह वीडियो वगैरह बना रही थी ना, तो वो भी फिर बाल बाल निकालने लगे कि चल जब फोटोशूट कर रहे हैं तो अच्छे से ही करेंगे फिर थोड़ा सा। तो मैं उससे बोल ही रही थी, मैंने कहा तुझे क्या जरूरत है, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है। तो बहुत ही सुंदर लगती थी मुझे पहले से और अभी भी लगती है बहुत है, इसको तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं उसको वही बोल रही थी, मैंने कहा तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, तेरे को कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस वो सारी चीजें होके हमने थोड़ा फोटोशूट किया, वीडियोज बनाई, फिर मैं आ गई बाहर जो मेन गेट के बाहर का एरिया है ना वहां पे। तो ये देखिए वो भी आ ही रही थी और मैंने बाहर से थोड़ा सा शूट कर लिया, कितने सुंदर तरीके से डेकोर किया हुआ है ना बाहर भी। और यहाँ पर मम्मी और मामी भी बाहर आ गए थे, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। तो इनका ना 7th फ्लोर पे था, तो लिफ्ट से आना जाना होता है क्योंकि इतना ऊपर कौन ही चढ़ेगा ऐसे, तो लिफ्ट थी। तो बस अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो मैं अभी आपसे ना नीचे जाके मिलती हूँ फिर। तो बस अब फिर हम लोग पार्किंग एरिया में आ गए थे नीचे, और नीचे ना यहाँ पर गार्ड बैठा रहता है, हर टावर के साथ गार्ड मिलेगा आपको, और मेन जो सोसाइटी का गेट है ना जितने भी गेट है वहां पर भी आपको गार्ड मिलेंगे, तो सेफ्टी पर्पस से भी ना बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और पहले यहाँ की रोड्स अच्छी नहीं थी बाहर की जो, बट अभी इधर की साइड की ना रोड भी बहुत अच्छी हो गई है। बट हमारा बस यही है कि हमें ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस की वजह से थोड़ा सा दूर रहेगा, बट देखते हैं अभी आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। तो हम लोग आ गए थे फिर सोसाइटी में और वहां पर भी हम लोग थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे, क्योंकि पार्क इतने अच्छे थे ना, छोटे छोटे से पार्क बनाए हुए हैं हर एक टावर के साथ, जो भी बिल्डिंगे हैं उनके साथ साथ ना छोटे छोटे से पार्क बनाए हैं वहां पर। तो वहां पर जैसे शाम के टाइम
वॉक वगैरह करने आते हैं, थोड़ा बहुत जिम का भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, बच्चों के लिए झूले वगैरह भी दिए हुए हैं। तो बस हम लोग अभी नीचे आ गए थे, मम्मी और मामी पीछे से आ ही रही थी, तो अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए, मैं और मम्मी। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हमने खूब सारी बातें करी, काफी साल बाद हम मिले। और आपको पता ही है कि जब इस तरीके से मिलते हैं तो बहुत सी बातें हो जाती है। तो ये वाला व्लॉग मैं करूंगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।